हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक और सक्सेस स्टोरी। एंड आज मैं श्रेया रस्तोगी के साथ हूँ। सी इज क्वालिफाइड CMA एंड सी इज करेंटली वर्किंग इन E&Y इन FP&A प्रोफाइल। सो एक बहुत अपने आप में मायने वाली बात है। सो आज इस सेशन में श्रेया अपनी वो सक्सेस स्टोरी बताएगी किस तरीके से उन्होंने CMA क्वालिफाइड किया है। बेसिकली सी इज बिलोंगिंग फ्रॉम वाराणसी, सो जहाँ पे CMA के लिए इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एंड सी इज बिलोंगिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लोकेशन। सो ये स्टोरी मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन के लिए। होप सो कि आपको भी ऐसा ही अच्छा लगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू श्रेया कि आपने मेरा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया एंड आप हमारे यूट्यूब चैनल से आए। Thank you so much, Rohan, for inviting me and giving me a chance to share my experience and my CMA journey. Thank you so much. So, Shreya, my first question is for you. कि आपने जब CMA स्टार्ट किया तो क्या आपके पास CMA के बारे में अवेयरनेस थी, नहीं थी, क्या था? मतलब आपने किस तरीके से अपने CMA जर्नी स्टार्ट की? To be honest, I was not aware of CMA before. I started actually doing it. मतलब मेरी बहन ने सबसे पहले मुझे इंट्रोड्यूस करवाया CMA से। शी वाज द वन जिसने मुझे एक्चुअली बताया कि CMA भी एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जो एग्जिस्ट करता है एंड विच इज इक्वली रेप्यूटेड। एंड तो फिर मैंने गूगल करना शुरू किया, उसके बारे में पढ़ा, देन आई गॉट टू नो कि ये एक CMA कोर्स है। मतलब CA से पहले भी था हमारे यहाँ एंड विच इज इक्वली रेप्यूटेड। तो मैंने CMA करना शुरू किया एंड आफ्टर माई ग्रेजुएशन In 2019, I enrolled first time for CMA and in June, mein, I gave my first attempt for intergroup one. So, since jaisa aapne bataya ki infrastructure available nahi hai Banaras mein CMA ke baare mein, to CMA ke baare mein kisi ko pata bhi nahi hai wahan pe, matlab ek chapter bhi nahi hai wahan pe. And initially, mujhe kuch bhi pata nahi tha CMA ke baare mein. To phir dheere dheere telegram groups join kiye, uske baad phir YouTube pe search kiya, videos ke baare mein pata chala. स्ट्रैटेजी डेवलप करी, खुद ही स्ट्रैटेजी डेवलप करी कि ऐसे पढ़ाई करनी है, ऐसे एग्जाम्स में अपीयर करना है, तो सब चीजें वैसे ही किया। सो आपने इंटरमीडिएट में आपने बाय सेल्फ स्टडी की थी, राइट? हाँ जी। सो बेसिकली जब आप बाय सेल्फ आप स्टडी करते हो, सो आपने किस टाइप से अपने स्ट्रेटेजी डेवलप किया, थोड़ा सा इन शॉर्ट में आप बच्चों को बता सकते हो तो अच्छा रहेगा। हाँ जी बिल्कुल। मैंने सेल्फ किया था तो मेरे लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट था कि मैंने स्टडी मटेरियल को थोरेली गो थ्रू किया था। स्टडी मटेरियल, वर्कबुक, RTP, MTP, ये चार चीज़ें मैंने मेक श्योर किया कि मतलब इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आई एम एबल टू अटेम्प्ट इट। तो सबसे पहले तो मैंने स्टडी मटेरियल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही करते हैं कि वो साइड बुक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जो फैकल्टी की बुक्स हैं उनको पहले कम्प्लीट कर ले, देन उनको अगर टाइम मिलता है तब फिर वो वर्कबुक और MTP, RTP और फिर स्टडी मटेरियल को गो थ्रू करते हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा से यही रही थी कि मैं सबसे पहले जो है स्टडी मटेरियल कंप्लीट करूँ, इंस्टीट्यूट के जितने भी रिसोर्सेज हैं मैं उनको सबको कंप्लीट करूँ, उसके बाद फिर अगर मेरे पास टाइम बचता है तो फिर मैं ये रेफरेंस बुक पे जाऊँ। ओके, तो मैं अभी भी सब हाँ। सो बेसिकली मेरा मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपने जब फर्स्ट अटेम्प्ट जब आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे होते हो, सो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि किस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करूँ, ना करूँ, क्या करूँ, मतलब क्या स्ट्रेटेजी एग्जाम में अपनाऊँ? बिकॉज बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, स्टक हो जाते हैं एग्जाम में, वो 3 आवर्स को हैंडल करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में हम किस तरीके से उस 3 आवर को हैंडल करें और एग्जाम वन शॉट में क्लियर करें? जब मैंने फर्स्ट ग्रुप का पेपर दिया था तब ऑफलाइन ग्रुप तब ऑफलाइन पेपर्स होते थे, तो मेरी स्ट्रैटेजी मतलब फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रही थी, कोई गाइडेंस भी नहीं थी मेरे पास, तो मेरी खुद की स्ट्रैटेजी ये थी कि सबसे पहले सेक्शन ए अटेम्प्ट करते हैं जो कि MCQ आता था, क्योंकि दैट हार्डली टेक्स 5 to 10 मिनट्स, तो उसको मैंने कंप्लीट करती थी मैम। उसके बाद फिर मैं गो थ्रू करती थी कि सेक्शन सी और सेक्शन डी में कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो मुझे आते हैं, तो मैं उनको अटेम्प्ट पहले करती थी। बिकॉज क्या होता है कि हम स्टार्टिंग के सेक्शंस को इतना टाइम दे देते हैं कि हमारे पास बाद के सेक्शंस जो मेजर मार्क्स कवर अप करते हैं हमारा, उसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है। तो मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा से अभी भी फाइनल्स में भी यही रही थी कि मैं सबसे पहले जो क्वेश्चंस मेजर पार्ट ऑफ मार्क्स कवर अप कर रहे हैं मैं उनको पहले अटेम्प्ट कर, तो MCQ के बाद मैं सीधे वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी और फिर मैं बाद में वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी जिसमें मैं डाइसी होती थी, तो मुझे आता नहीं था और मैं बस कोशिश करती थी अटेम्प्ट करने का। That's great. So next thing, जैसे कि आपने ट्रेनिंग की अपनी CMA इंटरमीडिएट के बाद,
सो आप ट्रेनिंग अपने फॉर्म में की थी या कॉर्पोरेट में की थी? मैंने फॉर्म में की थी एक्चुअली, उस टाइम कोविड चल रहा था, मेरा एग्जाम्स मैंने इंटर कंप्लीट किया 2020 में, तो मेरा मोटिव, हाँ जी, तो मेरा मोटिव यही था कि मेरे एक्चुअली ड्रीम यही था कि मैं PSU में जाऊँ, एंड आई इवन गॉट शॉर्टलिस्टेड इन BHCL, बट फिर कोविड आ गया, फिर मैंने अपनी वैकेंसी को जो है पोस्टपोन कर दिया था, तो हो नहीं पाया. फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, फॉर्म में ज्वाइन करते, बिकॉज मैंने अपने सीनियर से यही यही सुना था कि फॉर्म में आप जितना काम सीख पाते हो उतना PSU में नहीं सीख पाते हो, एंड मुझे लगता है आप भी इससे अग्री करोगे. हाँ जी, तो फॉर्म में मैंने काम किया अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर के आसपास मैंने काम किया, एंड मुझे काफी कुछ सीखने को मिला वहाँ पर, एंड डिफरेंट डोमेन्स में सीखने को मिला. मतलब मैं सिर्फ एक डोमेन तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी फॉर्म में, मैं कॉस्टिंग भी देख रही थी, मैं टैक्सेशन भी देख रही थी, मैं अकाउंटेंसी भी देख रही थी. तो फॉर्म में मतलब आपको काफी सारा एक्सपोजर मिला, बट जब आप फॉर्म में आप ट्रेनिंग कर रहे थे तो आई थिंक साथ के साथ आपको अपनी CMA फाइनल की भी स्टडी करनी थी, सो उसको आपने किस तरीके से मैनेज किया, हैंडल किया अपने फाइनल की स्टडी विद और ट्रेनिंग? I started my training in October 2020, और उस टाइम तक मतलब एक्चुअली कुछ क्लैरिटी नहीं थी मैनेजमेंट के साइड से कि हम एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे नहीं करेंगे, ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे, कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी. तो उसी मतलब डिप्रेशन एंड उसकी एंगजाइटी में फिर मैंने सोचा कि एक ब्रेक लेते हैं एंड फॉर्म ज्वाइन करते हैं, और मुझे भी ट्रेनिंग भी कम्प्लीट करनी थी, तो मैंने अक्टूबर में फॉर्म ज्वाइन किया, एंड बाय नवंबर आई गेस क्लैरिटी आ गई थी कि हमारे एग्जाम जनवरी में हो रहे हैं एंड ऑनलाइन हो रहे हैं. तो माई सर वॉज वेरी सपोर्टिंग, उन्होंने बोला कि ठीक है तो एक महीने का ब्रेक ले, प्रिपेयर फॉर एग्जाम एंड मेक श्योर यू क्लियर इट इन वन शॉट, क्योंकि तेरा पिछला इंटर भी फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप वन शॉट निकला है. तो माई सर वॉज वेरी सपोर्टिंग. तो फिर आपने उस तरीके से अपनी स्टडी किया एंड आपने फाइनल को क्लियर किया. सो जब आप फाइनल क्वालिफाई किए तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? ऑनेस्टली मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज अभी जो लास्ट ग्रुप का पेपर गए थे उसमें CFR आई गेस सबका बहुत बेकार गया था, मेरा भी बहुत ज़्यादा एक बेकार गया था, एंड मुझे लग रहा था कि मुझे वापस देना ही पड़ेगा. तो मैंने रिजल्ट्स का भी वेट नहीं किया, वो सर्चिंग फॉर जॉब, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना था, फैमिली से कब तक सपोर्ट लेंगे, एंड फॉर्म में इतना स्टाइपेंड मिलता नहीं था. तो फिर लगा कि चलो ठीक है, ग्रुप साइमल्टेनियसली करते रहेंगे, मतलब जॉब भी करेंगे एंड एग्जाम्स भी देते रहेंगे. फिर फेब्रवरी में जब रिजल्ट्स आए मुझे तो लगा कि इस बार वापस अटेम्प्ट लिखना देना पड़ेगा. तो मैंने जैसे ही रिजल्ट खोला मैंने मार्क्स भी नहीं देखे, आई जस्ट गेट दैट कॉन्ग्रेचुलेशन, और मैं इतनी खुश हो गई, मैंने जाकर अपनी मम्मी को बोला मेरे को मम्मा मैं पास हो गई. फिर शाम को जब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं मार्क्स तो देख लेने चाहिए थे, सिर्फ कंग्रेचुलेशन देके थोड़ी ना होगा, तो फिर मैंने जब मार्क्स देखे तो मैं जस्ट बॉर्डर लाइन पर पास थी, एग्जैक्ट 200. डिग्री की उतनी वैल्यू है जितनी अगर आप अच्छे मार्क्स लेके भी आते हो या फिर आप बॉर्डर लाइन पे आते हो. एट दी एंड देखो स्टार्टिंग के एक दो साल ऐसा होता है जहाँ पे मार्क्स रैंक की सारी चीजें मैटर करती है, लेकिन 2-3 साल बाद जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो तो फिर मार्क्स और अटेम्प्ट्स ये सब चीजें मैटर नहीं करती है. सो आफ्टर दैट आपके पास नेक्स्ट चैलेंज था कि आपको जॉब लेना है, सो आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप प्लेसमेंट में जाओ या फिर आप ऑफ कैंपस आप जॉब सर्च करते रहो. सो आपने क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो किया एंड वो सारी चीजें आप बताओ. मैं कम्प्लीटली प्लेसमेंट पर रिलाई नहीं किया मैंने कभी भी, मतलब ऑफकोर्स प्लेसमेंट वॉज ऑलवेज देयर एट द बैक ऑफ माई माइंड, मतलब था कि हाँ ठीक है प्लेसमेंट्स अपेयर करने, बिकॉज प्लेसमेंट्स में पैकेज अच्छा मिल जाता है, बट मुझे ये था कि मैं साइमल्टेनियसली वॉट एवर इज कमिंग माई वे आई शुड बी ओपन. तो मैं देख रही थी जॉब, सर्च कर रही थी, आई वॉज वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन एंड Naukri.com. तो मेरा वो रूटीन ही बन गया था कि रोज सुबह उठना है, ब्रेकफास्ट करना है, लैपटॉप लेके बैठना है, एंड ये दो ऐप्स पे कंटिन्यूसली अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है एंड अपने रेज्यूमेस भेजना है. तो पर डे मैं अपना मतलब से 10 से 12 लोगों को अपने रेज्यूमे भेजती थी. तो ये मेरा डे का रूटीन ही बन गया था. तो फिर मैं अप्लाई कर रही थी, फिर एक दिन मतलब ऐसे ही कैजुअली स्क्रॉल कर रही थी मैं लिंक्डइन पे, तो एक वैकेंसी निकली थी FP&A के लिए, एंड दे वर लुकिंग फॉर CA एंड CMA फ्रेशर्स. तो मैंने कैजुअली अप्लाई किया था, आई वॉज नॉट एक्चुअली एक्सपेक्टिंग एनी थिंग, मतलब मैं रिवॉर्ड भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी वहाँ से. तो
So to my surprise, within half an hour, I got a call from HR and she took my HR round. मतलब तुरंत से मतलब कुछ भी preparation नहीं थी and HR rounds I guess ऐसे होते ही हैं. तो वो casually आपको call करते हैं, आपका work experience, आपकी education पूछते हैं and आप interested हो इस profile में. बस यही पूछा उन्होंने and then she told me कि in order to proceed further, आपको एक online test देना पड़ेगा. तो मैंने कहा ठीक है दे देंगे. फिर नेक्स्ट दिन उन्होंने एक ऑनलाइन टेस्ट रखा. आई गेस उसमें 20-30 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अपीयर किया था. तो उस टेस्ट में बेसिक क्वेश्चंस थे, बेसिक एक्सेल क्वेश्चंस, बेसिक अकाउंटिंग क्वेश्चंस, एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चन थे. एंड उसके बाद एक हफ्ता हो गया था मेरे पास एचआर का कोई कॉल बैक नहीं आया. तो मुझे समझ में आ गया था कि शायद मैंने टेस्ट को क्लियर नहीं किया है क्योंकि उसमें एक दो क्वेश्चन थे जो मैंने मिस कर दिया था. मुझे लगा ठीक है अब नहीं हो रहा है, अब वापस से जॉब सर्च करना शुरू करते हैं. एंड एट द सेम टाइम आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर कैंपस. तो फिर एक हफ्ते बाद मेरे पास एचआर का कॉल आता है. शी टोल्ड मी कांग्रेचुलेशंस यू हैव क्लियर योर ऑनलाइन टेस्ट एंड वी विल बी शेड्यूलिंग सम इंटरव्यूज फॉर यू. तो मैंने कहा ठीक है करते. फिर मैंने बोला कि दो राउंड होंगे, एक मैनेजर राउंड होगा एंड अगर आपका मैनेजर राउंड क्लियर हो जाता है देन वी विल बी प्रोसीडिंग फर्दर विद पार्टनर्स राउंड. तो आई वाज लाइक ठीक है. फिर मैंने उनसे एक्चुअली पूछा था एंड आई वुड सजेस्ट हर कैंडिडेट जो इंटरव्यू में दे रहा है उसको एचआर से क्वेश्चंस पुट अप करने चाहिए. तो मैंने उनसे पूछा था कि सिंस इट वुड बी माय फर्स्ट इंटरव्यू तो मुझे कुछ आइडिया है नहीं, तो आप मुझे ब्रीफ कर सकते हो कि मतलब क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं जो मुझसे पूछ सकते हैं. तो उन्होंने कहा था कि बेसिक अकाउंटिंग क्वेश्चंस होंगे, तो मतलब टेक्निकल राउंड नहीं होगा बट आप स्टिल आप प्रिपेयर कर लेना. तो मैनेजर राउंड हुआ, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड मैनेजर टुक माय इंटरव्यू. तो इट वाज वेरी कैजुअल राउंड, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ टेक्निकल पूछा हो. बट हाँ लास्ट मतलब आई गेस वो राउंड एक घंटे का था एंड फॉर फर्स्ट 45 मिनट्स वी वर जस्ट हैविंग जस्ट कैजुअल कॉन्वर्सेशन दैट वी वर हैविंग एंड लास्ट के 15 मिनट्स में दे टुक माय टेक्निकल राउंड. तो उन्होंने मुझसे दो क्वेश्चन पूछे आउट ऑफ विच आई वॉज नॉट एबल टू आंसर वन. तो दैट्स व्हेन माय मैनेजर टोल्ड मी कि क्या यही डिफरेंस होता है सीए और सीएमए में. आई वॉज नॉट एक्चुअली सरप्राइज बिकॉज अपने सीनियर्स और अपने मतलब आसपास के लोगों से मैंने सुना था ये चीज कि बिग फोर में काफी ग्रिलिंग होती है इंटरव्यू के टाइम. तो मुझे लगा चलो ठीक है कोई बात नहीं. तो मेरे पास एक्चुअली उस टाइम दो ऑप्शन थे, या तो मैं उस चीज़ को पर्सनली अपनी ईगो पे ले लेती और फिर उनको बोलती नहीं सर सी एम एस भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, इक्वल होते हैं, सी एस के एट पार होते हैं. और एक सेकंड ऑप्शन ये था कि मैं एक्सेप्ट करती कि हाँ सर मुझ एज अ प्रोफेशनल आई शुड हैव नोन दिस थिंग बट मतलब मैं आगे इंटरव्यूज के लिए चीज़ से प्रिपेयर करूँगी अपने आप को. तो मुझे लगा मैं सेकेंड ऑप्शन चूज करती हूँ. आई सेड हिम कि सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट being a professional I should have known this but I'm sorry I was not able to recall. So but I'll make sure that next time if I give any interview I should know these things. So sir was like quite impressed. Unhe laga ki ha chalo theek hai accept kar liya, usne is cheez ko apni ego pe le liya. So sir still mujhe lag raha tha ki mera ye round clear nahi hoga. Campus is the only solution for me. So fir मैं स्टिल फिर कैंपस के पी पी ऑफिस स्टार्ट हो गया था, प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम. तो उसमें जा रहे थे. फिर दो दिन बाद मेरे पास वापस एचआर का कॉल आता है एंड शी टोल्ड मी दैट यू हैव क्लियर योर मैनेजर्स राउंड एंड नेक्स्ट विल बी हैविंग पार्टनर्स राउंड विद सीएफओ ऑफ ईवाई इंडिया एंड असिस्टेंट डायरेक्टर. तो मुझे लगा ठीक है. आई वॉज वेरी नर्वस बिकॉज सीएफओ आपका इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्या लेवल होगा. एंड उन्होंने फर्स्ट राउंड में मुझे इतना ग्रिल कर दिया था, मुझे लगा ठीक है अब तो और अच्छे से तैयार होके जाना चाहिए. फिर मैंने सारे प्रॉपर गो थ्रू किया, सारे इंडेस एएस जीएसटी मतलब जितना कोर्स अभी तक पढ़ा था फाइनल में इंटर में. तो आई मेड श्योर कि मुझसे कुछ भी पूछें तो मुझे आता हो, ऐसा ना हो कि मतलब पढ़ा हुआ एंड देन फिर वो प्रोफेशन पे आ जाता है डायरेक्टली. बिकॉज अभी भी वो लोगों का माइंड सेट है कि वो लोग सोचते हैं कि सी एम एन उसके बाद जब आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो ना तो फिर सब चीजें नॉर्मल होती है. वो फिर कोई डिफरेंस नहीं होता है सी और सीएमए में.
वो उनके लिए आप एम्प्लॉय हो जाते हो. तो फिर आपके पास सेफ राउंड का इंटरव्यू हुआ एंड देन पार्टनर्स राउंड हुआ. उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चंस काफी सारे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे. बिकॉज़ से वो राउंड भी आई गेस 45 मिनट का हुआ था. तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाला एएस पूछा तो उन्होंने मुझसे उसका ट्रीटमेंट पूछा, डेफर्ड टैक्स का ट्रीटमेंट पूछा. एंड अच्छा हुआ मैंने एक्चुअली वो प्रिपेयर कर लिया था, वरना तो बहुत अच्छी ग्रिलिंग होती. तो किया आंसर किया, कुछ क्वेश्चंस नहीं आते थे तो मैंने उनको स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल दिया कि सर आई डोंट नो. तो फिर एंड में क्या होता है ना, जब इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, तब आप ये चीज़ उनसे पूछ सकते हो कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई थी जो आपने पूछा, तो डू यू माइंड एक्सप्लेनिंग मी. तो उस तरीके से आप पूछ सकते हो. इस तरह से क्या होता है ना, इंटरव्यू को लगता है कि हाँ आप भी इंटरेस्टेड हो. और जब इंटरव्यू पूछता है ना कि आप कोई क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हो, तो मेक श्योर कि आप उनसे पूछो कि इफ इन केस आई गेट सेलेक्टेड इन दिस ऑर्गन इन दिस इंटरव्यू, सो व्हाट वुड बी माय जॉब गोल, व्हाट वुड बी योर एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ मी. तो उससे क्या होता है, इंटरव्यू को लगता है कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो जॉब प्रोफाइल. तो इन सारे प्रोसेस में अप्रोक्स आई थिंक 1 month का टेन्योर तो चला गया होगा आपका, फर्स्ट से एचआर से लेके और सिलेक्शन में. 15 to 20 days, अराउंड 15 to 20 days, देन आपको ऑफर लेटर रिसीव हो गया उसके बाद. ऑफर लेटर भी एकदम से नहीं आया था मेरे पास. आई थिंक एक हफ्ता उन्होंने लिया था, उन्होंने वर्बली मुझे सेम डे ऑफर कर दिया था, बट ऑफर लेटर आने में, प्रॉपर ऑफिशियल ऑफर लेटर आने में काफी टाइम लग गया था, मतलब एक हफ्ता. मतलब अगर हम FPNA प्रोफाइल के लिए देखें, सो एक एवरेज पैकेज अगर हम स्टूडेंट्स को बताना चाहें ऑन एन एवरेज, सो आप क्या मतलब आप बता सकते हो कि E&Y अगर आप बिग फोर ज्वाइन करते हो तो आप क्या पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो FPNA प्रोफाइल के लिए? कैंपस में और ऑफ कैंपस में काफी डिफरेंस हो जाता है प्रोफाइल. तो अगर आप कैंपस में जा रहे हो तो बिग फोर आपको आराम से 7 to 8 ऑफर करती है, बट फिर वो प्रोफाइल का डिफरेंस हो जाता है. वो अश्योरेंस में देते हैं, विच इज प्रॉपर ऑडिट वाली प्रोफाइल. तो उसमें आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 7 to 8 आपको वो दे देगी. बट ये जो अकाउंट्स एंड फाइनेंस वाली प्रोफाइल होती है ऑफ कैंपस में, आप फिर डिसेंट पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, समवेयर अराउंड 6 to 7. सो फिर भी मतलब FPNA का प्रोफाइल है जिसके फ्यूचर में काफी ज्यादा डिमांड होने वाली है, एंड अगर आप FPNA में एक अच्छा एक्सपोजर ले लेते हो तो फिर आपके वैल्यू और वर्थ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. सो मुझे लगता है कि अगर आपने 2-3 साल अगर यहाँ पे अपने अपने इन्वेस्ट कर दिया तो फ्यूचर में काफी ज्यादा ग्रो करोगे एंड काफी ज्यादा अर्निंग करोगे. सो स्टार्टिंग में पैसा प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग में लर्निंग प्रायोरिटी होना चाहिए. अगर आपको एक अच्छी प्रोफाइल मिल रही है, चाहे FPNA की हो या SAP कंसल्टेंट की हो या फिर कोई और ऐसा प्रोफाइल जो यूनिक हो, क्योंकि अकाउंट टैक्स में तो हर कोई काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन FPNA SAP और भी बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल्स है जहाँ पे बहुत कम लोग काम कर रहे हैं और उनके फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज्यादा है. एक्चुअली हमें, मुझे लगता है ना, हमें वो प्रोफाइल चूज करनी चाहिए जिसमें हम आगे ग्रो कर सकते हैं. बिकॉज इनिशियली हम पैकेज देखते हैं कि काफी अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड देन हम वो प्रोफाइल चूज कर लेते हैं, बट जब हम लॉन्ग रन में देखते हैं ना तो लॉन्ग रन में कोई वो किसी काम की नहीं होती है, मतलब हम स्टक हो जाते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज काफी लिमिटेड हो जाती है. या डेफिनेटली. सो मुझे काफी अच्छा लगा आपकी स्टोरी एंड आपकी जर्नी कम्प्लीटली. मतलब स्पेशली देखो लड़कियों के मामले में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जब आप छोटे शहर से आप बिलोंग करते हो एंड वहाँ पे फिर फैमिली भी ऐसी होती है, मतलब फैमिली बहुत सारे केसेस में सपोर्टिव नहीं होती है आपको, मतलब उस पार्टिकुलर सिटी से बाहर जाके स्टडी करना, पढ़ाई करना, जॉब करना. सो ये अपने आप में खुद को लेके एक रिस्क होता है. जो सारी चीजें आपने मैनेज किया एंड मतलब आपने सबको प्रूव किया कि आपके अंदर सारी क्वालिटी है, एबिलिटी है, एंड आज आप एक बिग फोर कंपनी में आप जॉब कर रहे हो. सो सब कुछ एक मतलब इंटरेस्टिंग लगा मुझे, एंड होप सो कि और भी जो बहुत सारी लड़कियां देख रही हो जो छोटे शहरों से बिलोंग करती हो, बिहार के, यूपी के या किसी भी स्टेट के, उनको भी ये स्टोरी अच्छी लगे. जिस तरीके से श्रेया ने इंटरमीडिएट का Group 1 Group 2 बाय सेल्फ किया, हो सकता है आप भी किसी सिटी में कर रहे हो. सो आप ऐसा मत सोचना है कि आप वो फर्स्ट लड़की हो, आप ऐसा सोचना है कि श्रेया ने भी कर लिया है तो आप भी कर सकते हो. हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं.
जब मैंने किया तो बिल्कुल कोई भी कर सकता है। एंड सबसे बड़ी बात है कि एक सपोर्टिव फैमिली होना बहुत जरूरी होता है। इन माय केस माय फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट। तो कई बार होते हैं कि फैमिली सपोर्टिव नहीं भी होती है तो काफी चैलेंजिंग हो जाता है तब। So, श्रेया, आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हो अपने साइड से बच्चों के लिए? हाँ जी हाँ, तो अपकमिंग सीएमएस आएंगे उनको मैं प्लेसमेंट्स में कुछ गाइडेंस देना जरूर चाहूंगी, बिकॉज आई हैव बीन रिसीविंग सो मेनी मैसेजेस ऑन लिंक्डइन रिगार्डिंग थिंग्स। तो पहली चीज है कि डू नॉट कम्प्लीटली रिलाई ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स। आई मीन डू नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टिल कैंपस, मेक श्योर कि आपके पास सारे मतलब यू आर ओपन टू एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे। तो राइट आफ्टर गिविंग योर एग्जाम्स आप इंटरव्यू दो, क्योंकि क्या होता है ना जब आप इंटरव्यू देते हो तो आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चलती है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, आपको पता चलता है कि अच्छा ठीक है इंटरव्यू पर ऐसे भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है मुझसे, और मेरी टेक्निकल स्किल्स इतनी मतलब इस एरिया में वीक है तो मुझे उस एरिया में वर्क करना है। जैसे मेरा था कि मुझे इंडिया में इतना मतलब कुछ चीज़ें नहीं आती थी जो उन्होंने मुझसे पुट अप किया, फिर मैंने उस चीज़ पर वर्क किया एंड आई मेड श्योर कि नेक्स्ट टाइम कोई भी मुझसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो मैं उसको प्रिसाइसली आंसर कर पाऊँ। देन सेकेंड थिंग इज कम्युनिकेशन इज ऑफ कोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आप अपनी बात से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो इंटरव्यूअर समझ भी नहीं पाएगा, तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन थर्ड थिंग इज अपग्रेड योर नॉलेज, क्योंकि क्या होता है प्लेसमेंट्स में जब जीडी होता है ना तो वो आपको टेक्निकल टॉपिक्स नहीं देते हैं जीडी के लिए, वो आपको कोई भी जनरल अवेयरनेस का टॉपिक या फिर कोई भी रैंडम टॉपिक दे देते हैं। तो जब आपके पास कोई कंटेंट नहीं होता है ना तो आप जीडी में फिर तभी शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते, एकदम बाहर हो जाते हो। एंड देन फोर्थ थिंग है, क्योंकि मेरे पास काफी सारे लोगों ने बोला कि कैंपस का ये क्राइटेरिया है कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो तभी वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे वरना नहीं करते हैं, एंड विच इज वेरी ट्रू, क्योंकि मेरे साथ भी होता है। मेरा क्या फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में था सारे ग्रुप, तो मेरी काफी सारी कंपनी से शॉर्टलिस्टिंग हुई थी बट मेरा ईवाई हो चुका था तो फिर मैंने ज्यादा कंपनीज में अपियर भी नहीं किया था। एंड देन ये चीज है कि आप सिर्फ कैंपस तक मत रखो, मतलब कैंपस इज नॉट द ओनली वे आउट। ऑफकोर्स कैंपस में काफी मतलब कैंपस अच्छा इसीलिए क्योंकि आपके पास ना काफी कम कंपटीशन होता है, यू जस्ट हैव हैंडफुल ऑफ पीपल तो उसमें से काफी मतलब सही हो जाता है। बट स्टिल जब आप ऑफ कैंपस ट्राई करते हो ना तो आपके पास काफी सारे लोग होते हैं, मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, जो एमबीएस भी हैं, जो सीएमएस भी हैं, जो भी ग्रेजुएट्स भी हैं, तो कंपटीशन काफी बढ़ जाता है ऑफ कैंपस। तो इन शॉर्ट, अगर मैं ये बात कहूँ कि बहुत सारे बच्चे का क्या होता है कि सर कैंपस होगा नहीं होगा, कैंपस होगा नहीं होगा, उनका हर बच्चे का मैं फोकस देखता हूँ कैंपस पे होता है। बट अगर मैं आपको बताऊँ, कैंपस इज फर्स्ट ऑप्शन, नॉट लास्ट ऑप्शन। सो आप कैंपस के ऊपर ही 100% मत रहो कि यार कैंपस नहीं होगा तो इसका मतलब सीएमए के वर्थ नहीं है। देखो, अगर सीएमए क्वालिफाई करते हैं, 1200-1300 बच्चे एक अटेम्प्ट में सीएमए क्वालिफाई करते हैं, 200 से 300 बच्चों का प्लेसमेंट होता है, फिर भी 1000 स्टूडेंट होते हैं जिनको कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है, वो भी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जिस तरीके से श्रेया ने ऑफ कैंपस एक बिग फोर में जॉब लिया है वो आप ले पाते हो कि नहीं। वो अगर आपके अंदर वो सारी एबिलिटी है, कम्युनिकेशन स्किल है, टेक्निकल नॉलेज है, तो आपको भी जॉब मिल जाएगी, जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं। डिग्री बस एक एंट्री कार्ड है जो कहीं भी ले जाके आपको इंटरव्यू में प्रेजेंट कर सकते हैं, बट इंटरव्यू क्रैक करना आपके ऊपर है। एग्जैक्टली। एंड लास्ट थिंग ये भी है कि अब कैंपस में आपको हो भी जाते हैं कई बार, क्योंकि क्या हुआ है मेरे काफी सारे बैचमेट्स का ऐसी प्रोफाइल में हुआ है जिससे उनको कोई फ्यूचर ही नहीं है, मतलब उनके पास खुशी तो है बट खुशी मनाने का कोई रीजन नहीं है। तो ऐसा है कि आप प्रोफाइल देखो पैकेज मत देखो। तो अगर आपको स्टार्टिंग में अगर कुछ भी मतलब अच्छा पैकेज से मतलब मेरा मतलब ये कि ये नहीं कि आप 25-30 हज़ार रुपये में भी जाने को तैयार हो, वो तो मैं भी खुद भी नहीं बोलूंगी। एक बेंचमार्क अपने लिए सेट करो कि हाँ इससे नीचे तो मैं नहीं जाऊंगी कुछ भी हो जाए, ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा बट स्टिल, क्योंकि क्या होता है जब फर्स्ट पैकेज जो है आपके लिए आगे की ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फर्स्ट पैकेज ही कम से स्टार्ट करोगे तो फिर आगे आपको ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। या श्रेया, थैंक यू कि आपने बहुत कुछ बच्चों को बताया। होप सो कि सारे बच्चे इसको एंजॉय करें एंड वो बहुत सारे मोटिवेशन इस वीडियो से लेके जाए एंड अपनी जर्नी में बहुत सारी चीजें उनके एड ऑन हो इस वीडियो के थ्रू। एंड थैंक यू अगेन आपको कि आप
मेरे प्लेटफॉर्म पे आके बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। वेलकम मैम।